हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो हिस्ट्री की क्लास लेकर आज हम उपस्थित है आपके पास। जैसा कि लाइव आने के लिए आज कहा गया था 12 बजे से, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से लाइव नहीं आ सका मैं, इसलिए आपके समक्ष ये छोटा सा वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ PDF के साथ। आप इसे डाउनलोड करें और इसे नोट करें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक साबित होंगे। तो देखते हैं इतिहास के विषय में, इतिहास क्या है, इतिहास क्या कहता है, इसके विषय में बात करते हैं। इतिहास का कर्तव्य, इतिहास शब्द का मतलब क्या है ये बताया गया है। इतिहास का कर्तव्य मिथ्या से सत्य की ओर, गलत से सत्य की ओर, झूठ से सत्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, डाउट से श्योर की ओर, आग्रह से संदिग्ध को पृथक कर देना है। ये बात विद्वान ब्रिटेन के विद्वान गेटे ने कहा था, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। तो इतिहास का कर्तव्य है ये इन्होंने कहा। अलग अलग परिभाषाएं हैं। कुछ लोगों ने इतिहास को मनुष्य की संघर्ष की कहानी कहा है। वो इसका कहने का तात्पर्य जब मनुष्य जन्म लिया तब उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर थी, संस्कृति सभ्यता में कैसे परिवर्तित हुई और कैसे सभ्यता संस्कृति दोनों ने एक रूप लिया और आज जो मानव है पिछली मानव की अपेक्षा कितना विकसित हुआ, ये एक मानव के संघर्ष की गाथा और पूरी कहानी है। इतिहास केवल अतीत या पिछला अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि वर्तमान में रहकर निष्पक्ष स्रोतों के माध्यम से संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण अतीत वर्तमान में रहकर उसका अध्ययन करना ही इतिहास है। इसी को गेटे ने बड़े ही अच्छे शब्दों से कहा कि मिथ्या से सत्य को, अनिश्चित से निश्चित को, आग्रह से संदिग्ध को पृथक कर देना ही इतिहास है। इतिहास में हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। नामकरण की अगर बात करें तो विष्णु पुराण में जिस भारत का वर्णन मिलता है उसी के इतिहास का आगे वर्णन करते हैं हम। उसमें कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो हम भारत का नक्शा देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इधर उत्तर में हिमालय है और नीचे समुद्र है, इसलिए इसने ऐसा कहा है। क्या कहा है कि समुद्र के उत्तर में हिमालय, अब ये हिमालय आपका है, हिमालय की चोटी है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। दक्षिण में जो स्थान है वह भारत है और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। ये विष्णु पुराण में भारतवर्ष के लिए कहा गया था कि समुद्र के उत्तर में, ये संस्कृत में था जिसमें कहा गया था, उत्तरम यस्तु समुद्रस्य हिमादेश्च दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका वर्णन कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक में किया हुआ है। तो ये इतिहास के विषय में भारतवर्ष की भौगोलिक वर्णन है। अगला हम इतिहास शब्द क्या कहता है इसकी बात करते हैं। तो इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति आ प्लस हास, जिसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, उसी का अध्ययन ही हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। अगर हम इसको रोमन वर्णों में देखें तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी में बात करें तो हाई प्लस स्टोरी से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से हाई प्लस स्टोरी से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी घटना का चित्रण करना, तो उसी का हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ये यूनान का पहला इतिहासकार था और भूगोलवेत्ता था, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसको संस्कृत में इसका नाम हरिदत्त मिलता है। संस्कृत में इसका नाम क्या मिलता है? तो संस्कृत में इसका नाम हरिदत्त मिलता है। इसी ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, और सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भूगोलवेत्ता भी था। क्या था? भूगोलवेत्ता भी
ये था। सिसरो ने इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। किसने कहा था? तो रोमन दार्शनिक थे एक सिसरो, उन्होंने इसे फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। सामान्य अर्थ में वर्तमान में अतीत के विषयों को ही अध्ययन करना इतिहास कहा जाता है, ऐसा हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में बताया है। उसके अनुसार मानव समुदाय ने प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास कब कहां और कैसे किया, इसका अध्ययन ही इतिहास कहा जाता है, ऐसा इसने कहा है। तो देश काल के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता रहता है, तो इतिहास हो गया। अब इतिहास में भारत का नाम कैसे वर्णन किया गया, कैसे पता चला कि भारत कौन सा स्थान है? तो हमने देखा अभी कि विष्णु पुराण में बताया गया कि समुद्र के दक्षिण उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में स्थित भौगोलिक क्षेत्र को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों को भारतीयों के नाम से जाना जाता है। नामकरण की बात करें तो भारत के इस विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष, भारतों की भूमि के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? तो भारतों की भूमि या भारतवर्ष के नाम से इसे जाना गया है। दुष्यंत के पुत्र, अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। कुछ लोगों का मानना है कि उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? भरत पड़ा था। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत पड़ा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, पौराणिक कथा थी, राजा पूर्व वंश के राजा दुष्यंत थे और उनकी पुत्री शकुंतला थी, उनके पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम पर भारत पड़ा, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो भरत जन का एक कबीला था जिसके नाम पर इसका भरतवर्ष नाम पड़ा। पुराणों की बात करें अगर हम, तो पुराणों में भागवत पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भागवत पुराण में भारत को अजनाभ वर्ष के नाम से जाना गया है। अगर हम बात करें कि भारतवर्ष का प्राचीन नाम भारत कहाँ पर मिलता है, तो इसका पहला अभिलेख हाथी गुम्भा अभिलेख है, जिसे में उड़ीसा या कलिंग के राजा खारवेल का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में भरत जन कबीले के नाम पर इसका नाम भरत पड़ा, ऐसा बताया गया, जबकि भागवत पुराण में इसे अजनाभ वर्ष कहा गया है। प्रथम अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो हाथी गुम्बा अभिलेख से इसका विवरण प्राप्त होता है। हाथी गुम्बा अभिलेख से प्रमुख रूप से राजा खारवेल का संबंध बताया जाता है। जैन साहित्यों की बात करें या जैन ग्रंथों की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर भी इसका नाम भारतवर्ष कहा जाता है, जबकि कुछ जैन ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अशोक के अभिलेख सबसे प्रिय है, ऐसा भी बताया गया है। ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा? तो ईरानियों ने सबसे पहले, ईरानी मंगोलियों ने सबसे पहले हिंदुस्तान कहा, जबकि इंडिया भारत का नाम यूनानियों ने कहा था। किसने कहा था? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। अरबी, फारसी और मध्यकालीन इतिहासकारों ने भी भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से जाना है। सिंधु सभ्यता के नाम पर इसका नाम हिंदू भी पड़ा। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, क्योंकि ये लोग साप वहाँ पढ़ते थे, इसीलिए सिंधु से हिंदू और हिंदू में रहने वाले हिंदू लोग कहे गए और यहाँ का स्थान हिंद, तो हिंद वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। जबकि चीनी साहित्यकारों ने यांगचु या यांगतु भारत को कहा है। क्या कहा है? यांगतु के नाम से चीनी यात्री ने रहा है। तो ये अलग अलग साहित्यकार हैं। जब चीनी की अगर बात करें तो ह्वेनसांग नामक एक बौद्ध यात्री चीन से भारत आया था, जिसने अपने वर्णन में भारत को यिनतु या तियानचु के नाम से वर्णन किया है। साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले इतिहास का उल्लेख या भारतवर्ष का उल्लेख अष्टाध्यायी ग्रंथ से मिलती है। किस पुस्तक से मिलती है? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से मिलती है, और इस ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी। किसने की? पाणिनि ने की।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने इसका वर्णन किया था। कब किया? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि ने इसका नाम किया था। आर्यावर्त की बात करें कि भारतवर्ष को आर्यावर्त के नाम से कहां पर वर्णन मिलता है, तो पतंजलि ने आर्यावर्त इसे कहा था। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ में हमें भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त मिलता है। इतिहास का संबंध मानव के, तो ये भारत के नामकरण की कहानी थी कि कहां पर क्या मिला, पुराणों में किस नाम से जाना गया, साहित्यों में किस नाम से जाना गया, अभिलेख में, ऋग्वैदिक काल में इतिहासकारों ने कैसे नाम दिया, अरबी, फारसी, यूनानियों ने क्या कहा, चीनियों ने क्या कहा, तो इस तरह से हम इसको नाम जानते हैं। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास का संबंध मानव के उद्भव, मानव के जन्म, मानव के विकास की कहानी है, जो विकास से लेकर उन सभी विषयों एवं वस्तुओं से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव से संबंधित हैं। मानव इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक काल में बांटा गया। मानव का ऐतिहासिक काल उस समय से प्रारंभ होता है जब से हमारे ज्ञान का मूलाधार पठन लिखित सामग्री है, अर्थात अर्ध ऐतिहासिक काल से या ऐतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल में हमने लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उस समय से हम इसे नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें मानव की, जिसकी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इस पर चर्चा करें तो पृथ्वी करीब 48 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी अरब वर्ष पुरानी है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी करीब 48 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी? तो 48 अरब वर्ष पृथ्वी, अरब छूट गया यहाँ पर, अरब वर्ष पुरानी है, अरब आप नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व? तो 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। विज्ञान के अनुसार जीवों का क्रमिक विकास मछली, इसके पश्चात मेंढक, सरीसृप, मानव के रूप में हुआ था। तो इस तरह से मानव जीवन का या जीवन का क्रम पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। समय को महाकल्पों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? तो महाकल्पों में समय को विभाजित किया गया है और महाकल्प को कल्पों में बांटा गया है। तो समय का विभाजन किसमें हुआ? महाकल्प युग में विभाजन इसका हुआ है। समय महाकल्प, कल्प और युग में समय का विभाजन किया गया है। कल्प की बात करें, अगर महाकल्प की बात करें तो महाकल्प है, ये कल्प नहीं है। महाकल्प का विभाजन आदिकाल, प्रतिकल्प, पुराकल्प, मध्यकाल तथा नूतन काल में किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि महाकल्प का विभाजन किसमें हुआ? आदिकाल, प्रतिकल्प, पुराकल्प, मध्यकाल, नूतन काल में इसका विभाजन किया गया है। मानव प्रजाति का उद्भव नवजीवन या नूतन काल में हुआ था। मानव प्रजाति का अगर हम विकास की बात करें, जन्म की बात करें, तो इसका उद्भव कब हुआ? तो नूतन काल में हुआ था, जिसे नवजीवन काल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 8 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कब हुई? 8 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अगर हम नूतन कल्प की बात करें, नूतन कल्प की बात करें, इसे कई कालों में विभाजित किया गया है। कई कालों में इसका विभाजन किया गया है। पुरानूतन काल पहला काल है, जिसमें लंगूर प्राणियों का जन्म हुआ था। इसके बाद आदि नूतन काल आता है, जिसमें बंदर, कछुआ, मगर का विकास हुआ था। मध्य नूतन काल, इसमें कपियों का विकास हुआ। अति नूतन काल, होमोनट्स का विकास हुआ। तापक्रम में गिरावट हुई, जंगलों का विकास हुआ। फिर नूतन काल का जन्म हुआ, वर्तमान काल के प्राणी, वनस्पति एवं मानव प्रजातियां लगभग 10,000 ईसा पूर्व की हैं। तो ये काल का विभाजन था। नूतन कल्प का विभाजन काल में हुआ था, तो पुरानूतन, आदि नूतन, मध्य नूतन और अति नूतन में विभाजन किया गया है। लाइव ना आ पाने के लिए खेद है, नेटवर्क की समस्या की वजह से लाइव आ पाना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए आपसे फिर से एक बार खेद है, आप इस वीडियो को देखिए, पीडीएफ इसकी डाउनलोड करिए। कल
इसके लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज दिया जाएगा या चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना